सर, हमारा मॉडल आज का है एरिया ऑफ कोन पर। जैसे हमारे पास एक कोन होता है और इसका एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो अगर हम किसी भी कोन को कट करते हैं तो वो ये शेप लेगा। और ये जो शेप है, जैसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कोन है, इस कोन को जब हम ऐसे कट कर रहे हैं तो वो ये शेप ले रहा है। और इसके जब हम छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है, अगर हम पीसेस करते हैं और उनको इस तरह से अरेंज करते हैं तो वो एक रेक्टेंगल की शेप लेते हैं। जितने ज्यादा छोटे पीसेस होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी शेप आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इस यहाँ सर्कल बन रहा था उसकी हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। जब हमने इसको कट किया तो वो यही सर्कमफ्रेंस बनी, वो शेप इसने ये ले ली, तो इसका 2πr रहेगा सर्कमफ्रेंस। जब हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया तो ये हाफ में डिवाइड हो गया, यहाँ πr, यहाँ πr। और जो इसकी स्लैंट हाइट थी एल, वो यहाँ अगर रेडियस बन गई और वही यहाँ पर ब्रेथ बन गई। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है पाई आर मल्टीप्लाई एल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आता है पाई आर एल। पाई आर पूरी 2πr ये सर्कमफेरेंस।